हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपिकास किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिली एग। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल घर में कैसे चिली एग बनाते हैं, ये आप चल के देख लीजिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे चार एग ले लिया और एग को बॉईल करके इस शेप में मैंने काट के रखा, आप लोग देख सकते हैं। और इधर मैंने दो मीडियम साइज कैप्सिकम को ऐसे क्यूब साइज में कट के रखा, और इधर एक मीडियम साइज ऑनियन को क्यूब साइज में कट के रखा, और उधर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन कट के रखा, इधर एक मीडियम साइज टमाटर को कट के रखा, और उधर एक चिली को ऐसे ग्रीन चिली को कट के रखा, और इधर अदरक लहसुन को मैंने बारीक कट के रखा, और इधर मैंने टमाटो केचप ले लिया, इधर ग्रीन चिली सॉस ले लिया, और इधर सोया सॉस ले लिया। अभी मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने जा रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कीजिए, और इधर 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अभी इन सारी चीजों को चम्मच से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ले लिया। अब पानी को पूरा एक साथ यूज मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए, और आप ध्यान रखिए लम्स ना रहे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इस टाइम पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए दे दिया, और इधर आप देख सकते हैं एक अच्छा बैटर बन गया, बन के रेडी है। इस बैटर में मैं अभी एक को डीप करके फ्राई करूंगी, डीप फ्राई। अभी आप हाथ का इस्तेमाल कीजिए और हाथ से एक को अच्छे से कोट करके डीप फ्राई कर लीजिए। ऐसे करके आप सारे एगो को ऐसे फ्राई कर लीजिए डीप फ्राई। सारे एगो को ऑयल में दे दिया, और अभी गैस का फ्लेम में बढ़ा दूंगी, बढ़ा के फ्राई कर लूंगी। ये देख लीजिए आप लोग, एक साइड एक अच्छे से फ्राई होगा, मैं अभी पलट दूंगी दूसरी साइड फ्राई होने के लिए। ये देखिए सारे एक अच्छे से हो गए। अभी मैं प्लेट में उठा लेती हूँ एक को, और सेम कढ़ाई में ऑयल को हटा के थोड़ा ऑयल कम करके मैं इसमें मैंने चिली एक बनाने जा रही हूँ। ऑयल भी सेम है, मैंने कम कर लिया कुछ, 2 टेबल स्पून जैसा है ऑयल। इसमें मैंने जो कैप्सिकम कट के रखा वो ऐड कर रही हूँ, जो प्याज क्यूब में कट के रखा वो भी ऐड कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके आप 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए, ताकि प्याज और कैप्सिकम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। आप देख लीजिए टमाटर और यानी जो लहसुन बारीक कट के रखा और हरी मिर्च कट के रखा, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज और कैप्सिकम थोड़ा सॉफ्ट भी हो गए। ये सारी चीजें को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको भी 2 मिनट के, ये देख लीजिए 2 मिनट हो गए। इस टाइम पे मैं टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून जैसा टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून जैसा विनेगर ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून जैसा मैंने सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून जैसा ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, इन सारी चीजों को आप 1 मिनट के लिए ऐसे फ्राई होने दीजिए। देख लीजिए आप लोग, इस स्टेप में मैंने जो एक को फ्राई करके रखा था वो ऐड करी, सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करने दीजिए, गैस का फ्लेम मीडियम कम रखिए। देख लीजिए 5 मिनट होगा, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया और 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं एक में ऐड करने जा रही हूँ, ताकि ग्रेवी बन जाए थोड़ा सा। आप चाहे तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ग्रेवी रखूंगी, क्योंकि इसको नूडल्स के साथ खाना बहुत टेस्ट लगता है। आप फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गरम गरम नूडल्स और फ्राइड राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्ट लगता है इसको खाने में। देखिए रेडी है चिली एग, इसके
को ऐड करी। मेरा चिली एक बनके एकदम रेडी है। ये गरम गरम में नूडल्स और फ्राइड राइस के साथ सर्व करने जा रही हूँ। आप लोग भी घर में बना के जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे मेरी इस वीडियो, लाइक शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय।